फिल्म चालू होती है, एक स्पेसशिप को दिखाते हैं। शिप के अंदर लोग सोए होते हैं। इनमें फिल्म की हीरोइन रिपली होती है। अचानक एलियन के अंडे में से फेसहगर निकल के लोगों पे हमला करते हैं। उनके एसिड से शिप में आग लग जाती है। शिप का कंप्यूटर लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू पॉड से नजदीक के प्लैनेट पे भेज देता है। इस प्लैनेट का नाम फोरिना होता है। इसके दो सूरज थे। प्लैनेट पे इंसान रहते हैं क्योंकि प्लैनेट पे पेट्रोल की खुदाई होती है और काम करने के लिए धरती से खतरनाक क्रिमिनल्स को लाया जाता है ताकि काम के साथ उन्हें सजा मिल सके। इन कैदियों को रखने के लिए एक जेल होती है। जेल का डॉक्टर जोनाथन अपनी मॉर्निंग वॉक पे होता है। उसे क्रैश हुए पॉड में रिपली दिखती है। डॉक्टर रिपली को जेल वाली बिल्डिंग में ले जाता है और अपने आदमियों से क्रैश साइट पे जाके बाकी लोगों को बचाने को कहता है। वो लोग क्रैश साइट पे जाते हैं लेकिन रिपली के साथ वाले लोगों की मौत हो चुकी थी। ये लोग डेड बॉडीज को जेल ले आते हैं। डॉक्टर जोनाथन रिपली की जांच करता है। तभी रिपली को होश आता है। रिपली पूछती है वो कहाँ पे है। डॉक्टर कहता है वो एक प्लैनेट पे है जिसे वेलेंट कॉर्पोरेशन ओन करता है। रिपली कहती है वो भी उसी कंपनी के लिए काम करती है। डॉक्टर रिपली से कहता है उनका शिप क्रैश हो गया था और उसके दोस्तों की मौत हो चुकी है। डॉक्टर रिपली को क्रैश हुआ पॉड दिखाने ले जाता है। रिपली को पॉड पे जलने का निशान मिलता है जो कि एलियन ने किया था। रिपली को शक होने लगता है और वो डॉक्टर से पूछती है उसके साथियों की डेड बॉडीज कहाँ पे है। डॉक्टर रिपली को बॉडीज दिखाने के लिए मुर्दा घर ले जाता है और उसे एक लड़की की बॉडी दिखाता है जो कि रिपली के साथ में थी। रिपली बॉडी के मुंह की जांच करने लगती है क्योंकि ये एलियन मुंह से ही अंदर घुसते थे। तभी यहाँ जेल का वार्डन आता है और रिपली को चेतावनी देता है क्योंकि जेल के सारे कैदी और स्टाफ मेल होते हैं और रिपली अकेली फीमेल है। रिपली वार्डन से कहती है उन्हें क्रैश में मारे गए लोगों की बॉडीज को आग लगानी होगी। वार्डन पूछता है क्यों। डॉक्टर जोनाथन रिपली की साइड लेता है और कहता है कि बॉडीज में हो सकता है वायरस हो क्योंकि वो सीक्रेटली रिपली को लाइक करने लगा था। वार्डन जोनाथन की बात को मान लेता है क्योंकि वो उस प्लैनेट का अकेला डॉक्टर था। वार्डन धरती पे मौजूद वेलन कंपनी के लोगों को इन्फॉर्म करता है। वो लोग रिप्लाई करते हैं कि वो एक टीम को भेजेंगे जो रिपली को वहां से ले जाएगी। टीम को आने में 6 दिन लगेंगे। इस प्लैनेट पे सब लोग मांस खाते थे तो जेल में एक बुचर शॉप होती है। यहाँ पे एक एलियन का फेस अगर गाय को इन्फेक्ट कर देता है और फिर गाय को चीरते हुए एक छोटा एलियन बाहर आता है। इस एलियन के 4 पांव होते हैं जबकि नॉर्मल एलियन के 2 होते थे और अब वहाँ पे बॉडीज को जलाने के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं। वो लोग बॉडीज को एक फर्नेस में डाल देते हैं। ये लोग फर्नेस का इस्तेमाल मेटल को पिघला के उनसे औजार बनाने में करते थे। डिलन नाम का एक आदमी कैदियों का लीडर होता है और वो मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करता है। रिपली अपना सिर शेव कर लेती है ताकि वो जेल के आदमियों की तरह दिख सके और उसके साथ कोई गलत व्यवहार ना हो। रिपली डॉक्टर से मिलती है और उसे कहती है कि वो भी उसे लाइक करती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं एक कैदी सीवेज पाइप की सफाई कर रहा होता है तभी उस पे एलियन हमला करता है। कैदी एक एग्जॉस्ट फैन में गिर जाता है जिसकी ब्लेड से उसकी मौत हो जाती है। वार्डन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर को पाइप के अंदर वैसे निशान मिलते हैं जैसा कि उसे पॉड पे मिले थे। रिपली एलियन का पता लगाने के लिए अपने पॉड का फ्लाइट रिकॉर्डर ढूंढती है। ये एक हार्ड डिस्क थी जिसमें आवाज रिकॉर्ड होती है। रिपली फ्लाइट रिकॉर्डर को अपने टूटे हुए रोबोट बिशप के पास ले जाती है। ये वहीं क्रैश हुए पॉड में था। बिशप फ्लाइट रिकॉर्डर को रीड करता है तो उसमें एलियन के बारे में वार्निंग होती है कि वो पहले से ही शिप में था। वहीं कुछ कैदियों को दिखाते हैं जो कि सीवेज पाइप में जाते हैं और एलियन छत पे से हमला करता है। वो 2 कैदियों को मार देता है और तीसरा कैदी जिसका नाम वॉल्टर था वहां से भाग जाता है। वार्डन वॉल्टर पे इल्जाम लगाता है कि उसी ने उन 2 कैदियों को मारा होगा क्योंकि वॉल्टर एक सीरियल किलर था। वॉल्टर कहता है कि उसने एक ड्रैगन जैसी चीज को देखा। डिलन वॉल्टर का साइड लेता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता। रिपली उनकी बातें सुन लेती है और वहां के बोलती है कि वो एक एलियन है जो कि उनके शिप पे था। क्रैश होने की वजह से वो एलियन यहाँ पे आ चुका है। वार्डन रिपली की बात पे यकीन नहीं करता। वार्डन के जाने के बाद रिपली डॉक्टर जोनाथन को एलियन के बारे में बताती है। तभी वेंटिलेशन पाइप से होते हुए यहाँ पे एलियन आ जाता है और डॉक्टर जोनाथन को खत्म कर देता है।
रिपली भागते हुए वार्डन के पास जाती है और चेतावनी देती है कि डॉक्टर को एलियन ने खत्म कर दिया। वार्डन उसका मजाक बनाता है। अचानक एलियन वेंटिलेशन पाइप से निकल के सारे कैदियों के सामने वार्डन को मार देता है। वो सभी कैदी डर जाते हैं और डिलन से पूछते हैं अब क्या करें। दरअसल उनके पास एलियन को मारने के लिए बंदूक नहीं होती और बिना शिप के प्लैनेट को नहीं छोड़ सकते। रिपली कहती है एलियन को आग लगा के मार सकते हैं। फ्रांसिस, जो कि वार्डन का असिस्टेंट था, रिपली को जेल का मैप दिखाता है। रिपली कहती है वो एलियन को गोडाउन में कैद कर सकते हैं। गोडाउन में पेट्रोल के जैसे केमिकल रखे होते हैं। रिपली प्लान बनाती है, वेंटिलेशन पाइप में आग लगा के एलियन को बाहर निकालेंगे और फिर गोडाउन में कैद कर देंगे। सारे लोग ब्रश के जरिए केमिकल को वेंटिलेशन पाइप में लगा देते हैं। एक आदमी एलियन को पाइप में छुपा हुआ देखता है। एलियन जब उस आदमी पे हमला करता है, आदमी के हाथ से सिगार नीचे गिर जाता है और केमिकल में आग लग जाती है। ब्लास्ट होने से 4 कैदी मारे जाते हैं। डिलन जूनियर नाम के कैदी को पानी के फव्वारे चालू करने भेजता है। आग की वजह से एलियन वेंटिलेशन पाइप से बाहर आता है। जूनियर एलियन को देख लेता है और खुद को सैक्रिफाइस करते हुए गोडाउन में चला जाता है। एलियन जूनियर का पीछा करता है। रिपली गोडाउन का गेट बंद कर देती है। डिलन पानी के फव्वारे चालू कर देता है जिनसे आग बुझ जाती है। रिपली कंप्यूटर से वेलेंट कंपनी को कॉन्टेक्ट करती है और एलियन को मारने की परमिशन मांगती है। कंपनी वाले मना कर देते हैं, उन्हें एलियन रिसर्च के लिए चाहिए। उधर वॉल्टर एलियन को देखने के लिए गोडाउन पे जाता है। यहाँ पे खड़ा गार्ड वॉल्टर को रोक देता है। वो गेट खोलने से मना करता है। वॉल्टर गुस्से में गार्ड को मार देता है और गेट खोल के एलियन को ढूंढने लगता है। गोडाउन में अंधेरा होता है, तभी एलियन अचानक से बाहर आके वॉल्टर को मार देता है और वहां से भाग जाता है। डिलन और रिपली को एलियन के बारे में पता चलता है और वो गोडाउन पे जाते हैं। तभी रिपली के सीने में दर्द होने लगता है और वो खुद का एक्सरे करने के लिए क्रैश हुए पॉड में जाती है। पॉड की मशीनें चालू होने लगती है। तभी फ्रांसिस आके रिपली की मदद करता है। मशीन रिपली को स्कैन करती है। फ्रांसिस मॉनिटर पे देखता है रिपली के सीने में एलियन का बच्चा है। दरअसल शिप में आग लगने से पहले फेस अगर ने रिपली को इन्फेक्ट कर दिया था। रिपली कहती है उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और वो बड़े वाले एलियन को ढूंढने लगती है। एलियन रिपली के पास खड़ा होता है लेकिन फिर भी वो रिपली को नहीं मारता। रिपली को यकीन हो जाता है उसके सीने में एलियन की क्वीन है। तभी वेलन कंपनी के शिप को दिखाते हैं जो प्लैनेट के नजदीक होता है। डिलन कैदियों को शांत करता है जो एलियन के भागने से डरे हुए होते हैं। डेविड नाम का कैदी बोलता है वो लोग एलियन को फर्नेस में ले जाके आग लगा सकते हैं। रिपली कहती है वो चारे की तरह काम करके एलियन को फर्नेस तक ले जाएगी, एलियन उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। डिलन आगे का प्लान बताता है, फर्नेस में जाने के बाद पिघला हुआ लेड डाल देंगे, एलियन उसकी गर्मी से मर जाएगा। डिलन और उसके आदमी अपने हाथ में फ्लेयर्स ले लेते हैं। वो एलियन को रिपली तक लेके आएंगे और रिपली उसे फर्नेस में ले जाएगी। एलियन सबसे पहले विंसेंट नाम के कैदी पे हमला करता है। बॉक्स एलियन का ध्यान अपनी ओर खींचता है और रिपली की तरफ भागता है। एलियन बॉक्स को मार देता है। इसी तरह ग्रेगर और ट्रॉय भी मारे जाते हैं। एलियन डेविड के पीछे होता है। डेविड टाइम पे गेट बंद कर देता है लेकिन एलियन दूसरे रास्ते से आके उसे भी खत्म कर देता है। अब वेलन कंपनी वाले जेल में आते हैं और फ्रांसिस से मिलते हैं। कंपनी वाले रिपली के बारे में पूछते हैं। फ्रांसिस कहता है रिपली फर्नेस में है। वहीं एलियन केविन नाम के कैदी को मारने लगता है। डिलन और रिपली केविन को बचा नहीं पाते। रिपली एलियन की पूंछ पकड़ के उसे फर्नेस के मोल्ड में धकेलने लगती है। डिलन आके रिपली की मदद करता है। मॉर्स नाम का एक और कैदी गेट बंद कर देता है ताकि एलियन वापस कॉरिडोर में ना जा सके। डिलन और रिपली एलियन के साथ मोल्ड में होते हैं। डिलन रिपली को मोल्ड से बाहर जाने को कहता है। वो एलियन का ध्यान बटाए रखेगा। एलियन डिलन पे हमला करता है और उसे खाने लगता है। मॉर्स एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ के मशीन चालू कर देता है जो मोल्ड में पिघला हुआ लेड डाल देती है। गर्मी की वजह से हर एक जगह धुआं हो जाता है। डिलन मर जाता है लेकिन एलियन लेड में से तैरते हुए बाहर आता है। एलियन रिपली के पीछे होता है। रिपली मशीन पे चढ़ने लगती है। मॉर्स रिपली से कहता है पानी के फव्वारे चालू करने से एलियन की स्किन क्रैक हो जाएगी। रिपली एक चेन को खींच के
पानी के फवारे चालू करती है। पानी गिरने से एलियन की स्किन पे लगा लेड तेजी से ठंडा होता है और उसमें क्रैक पड़ने लगते हैं। एलियन के टुकड़े हो जाते हैं। तभी कंपनी वाले फर्नेस में आते हैं। उनके साथ बिशप होता है, जो वेलेंट कंपनी का बनाया एक दूसरा रोबोट था। बिशप रिपली से कहता है उनके डॉक्टर्स रिपली का ऑपरेशन करके एलियन क्वीन को बाहर निकाल देंगे। रिपली कहती है कंपनी वाले एलियन को बाहर निकाल के मारने के बजाय उस पर रिसर्च करेंगे और फिर उसके जैसे बहुत सारे एलियन बनाएंगे। बिशप रिपली को समझाने लगता है। तभी रिपली मॉर्स को बोल के प्लेटफॉर्म को फर्नेस की तरफ मुड़वा देती है। बिशप के साथ वाले सोल्जर्स मॉर्स की टांग में गोली मार देते हैं। ये देख के फ्रांसिस बिशप पे हमला करता है। सोल्जर फ्रांसिस को गोली मार देते हैं। रिपली के सीने में दर्द होने लगता है और वो क्वीन बाहर आने लगती है। रिपली अपने आप को खत्म करने के लिए फर्नेस में छलांग लगा देती है। कंपनी वाले जेल को बंद कर देते हैं और मॉर्स को अपने साथ ले जाते हैं। लास्ट में रिपली का मैसेज सुनाते हैं जो उसने शिप में रिकॉर्ड किया था।